मई 2024 में प्राइमेक्स कंपनी ने एक और बड़ा ज़बरदस्त हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर लॉन्च कर दिया है, जो कि बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी। प्राइमेक्स ने अपनी जो इन्वर्टर्स की सीरीज़ उसमें PV 5000 प्लस प्रो एक मॉडल का इजाफा किया, जो कि 4 किलोवाट कैटेगरी में इन्वर्टर आता है। इससे पहले इसके अंदर आपको एक 3.6 किलोवाट का PV 5000 प्लस इन्वर्टर देखने को मिलेगा, जो कि आपने देखा है कि 3.6 किलोवाट में था। उसके अंदर आप 5 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते थे, लेकिन बहुत सारे दोस्तों की डिमांड आ रही थी कि हमें 4 किलोवाट तक का इन्वर्टर चाहिए, जो कि डबल बैटरी के ऊपर चलता हो और साथ में हमारा जो है वो उसके ऊपर आप नेट मीटिंग भी करवा सकें, उसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई भी हो और डिस्प्ले भी बड़ा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए तस्वीर लेकर आए हैं प्राइमेक्स कंपनी के PV 5000 प्लस प्रो मॉडल की, जो कि 4 किलोवाट का इन्वर्टर है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस इन्वर्टर में कंपनी ने क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको दी हैं, इसके फीचर्स क्या क्या आपको मिलते हैं, इसके अलावा इसकी जो प्राइसेस हैं जो आज की डेट की हैं वो क्या है, तो सारी तफसील आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। यहाँ पर इन्वर्टर का बॉक्स हमारे पास आ गया, जो कि कुछ इस तरह की कलरफुल ब्रांडिंग के अंदर आता है। इन्वर्टर को जैसे ही हम अनबॉक्स करते हैं, तो इसको जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करते हैं, सबसे पहले आपको एक इस तरह का जो है वो पैकेट देखने को मिलता है, जिसके अंदर इन्वर्टर का एक तो वारंटी कार्ड होता है, जो कि आपने कोई भी इन्वर्टर परचेज़ करना सबसे पहले आपने बॉक्स के अंदर ये चीज़ लाजमी देखनी कि उसका वारंटी कार्ड उसके अंदर मौजूद होना चाहिए, जो कि कुछ इस तरह सा आपको जो है इसके बॉक्स के अंदर मिलता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ कि इसकी 5 साल वारंटी है। क्योंकि ये प्राइमेक्स की जो जितनी भी गैलेक्सी सीरीज सारी वोल्टोनिक के अंदर है, तो ये इसकी आपको 2 साल की पार्ट्स की वारंटी देखने को मिलती है और 3 साल इसकी जो है वो आपको सर्विस वारंटी देखने को मिल जाती है। इसी तरह इसके बॉक्स के अंदर ही आपको इस इन्वर्टर का जो यूज़र मैनुअल है और इसकी जो बाकी एसेसरी वो आपको इसके बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाती है। इसका यूज़र मैनुअल, जिसके अंदर इन्वर्टर की सारी जो सेटिंग है, जो इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं, वो सारे आप यहाँ पर रीड करके इन्वर्टर के बारे में सारी जो मालूम वो ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन वाली केबल भी बॉक्स के अंदर जो है वो देखने को मिल जाती है। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी सोलर कंपनीज़ हैं, उसमें से प्राइमेक्स कंपनी सबसे जो लीडिंग ब्रांड बन के आया है, क्योंकि अभी वोल्टोनिक के साथ जो MOU उनका साइन हुआ है, जितनी भी बाकी ब्रांड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी के इन्वर्टर्स हैं वो प्राइमेक्स की तरफ से 2024 में आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 600 मेगावाट का इनका एक MOU साइन हुआ है। इसके अलावा बाकी जितनी भी कंपनीज जो वोल्टोनिक के साथ काम कर रही हैं, उनके जो इन्वर्टर्स की क्वान्टिटी है वो इनसे कम ही है। तो इसके अलावा जो प्राइमेक्स कंपनी में इन्वर्टर्स की सीरीज़ आ रही है, उसमें आपको 1 किलोवाट से लेकर 11 किलोवाट तक के वोल्टोनिक के अंदर जो है वो इन्वर्टर देखने को मिल जाएंगे। और इसके जो छोटे मॉडल जिसके अंदर 1 किलोवाट या 2 किलोवाट वाले हैं, उसके अलावा जो 3 किलोवाट से ऊपर जितने भी इन्वर्टर्स हैं, सबके अंदर आपको ड्यूल आउटपुट देखने को मिलती है, सबके अंदर आपको ग्रिड फीडिंग नेट मीटिंग देखने को मिल जाती है, सबके अंदर आपको जो है वो वाईफाई बिल्ट इन देखने को मिल जाती है, और सब इन्वर्टर्स के अंदर आपको जितने भी जो फीचर्स हैं किसी भी हाइब्रिड इन्वर्टर में होने चाहिए वो सारे आपको ये इन्वर्टर प्रोवाइड करते हैं। लोड की अगर बात करें, तो ये जो इन्वर्टर है प्राइमेक्स का PV 5000 प्लस प्रो मॉडल, ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर है। तो इससे पहले जो 3.6 किलोवाट का इन्वर्टर कंपनी ने लॉन्च किया था, उसके बाद कस्टमर की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि हमें इसी कैटेगरी में, जो कि डबल बैटरी वाला इन्वर्टर हो, वो हमें 4 किलोवाट पे भी चाहिए। तो कंपनी ने ये इन्वर्टर लॉन्च किया है बड़ी अच्छी प्राइस के अंदर और बड़े अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ। बात करें अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइमेक्स कंपनी के जितने भी हाइब्रिड इन्वर्टर आ रहे हैं, 1-2 किलोवाट से ऊपर, जो 3 किलोवाट से ऊपर जितने भी इन्वर्टर्स हैं, सब में आपको यहाँ पर वाईफाई का लोगो नज़र आ जाता है, जिसका मतलब है कि जितने भी इन्वर्टर्स हैं इन सब के अंदर आपको बिल्ट इन वाईफाई जो है वो देखने को मिल जाती है। आपको सेपरेट जो है वाईफाई परचेज नहीं करनी पड़ेगी, आप इन्वर्टर के प्राइस के अंदर ही आपको वाईफाई कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप अपने इन्वर्टर को दुनिया के किसी भी कोने में बैठ कर उसको जो है आप मॉनिटर कर सकते हैं, उसकी सेटिंग कर सकते हैं, और जितने भी पैरामीटर्स हैं वो आप देख सकते हैं कि आपका इन्वर्टर सोलर से कितनी जनरेशन कर रहा है, लोड कितना चल रहा है, बैटरी वोल्टेज कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल के अंदर भी देख सकते हैं। बहुत सारे कस्टमर को ये आइडिया नहीं होता कि 4 किलोवाट के लोड के अंदर हम क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं। तो 4 किलोवाट में आपका 1.5 टन का इन्वर्टर AC आ जाता है, 5 से 6 पंखे आ जाते हैं, 1 फ्रिज आ जाती है, 1 पानी वाली मोटर आ जाती है, वाशिंग मशीन, यानी कि 5 से 6 महल के घर में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी आप 4 किलोवाट के किसी भी इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं। क्या हम इसके ऊपर अपने 2 1-टन के इन्वर्टर AC चला सकते हैं? तो बिल्कुल, आप इस इन्वर्टर के ऊपर अपने 2 1-टन के इन्वर्टर AC, इवन कि अगर आप 1.5 टन के इन्वर्टर AC भी चलाना चाहते हैं, तो वो भी आपको थोड़ा सा मैनेज करके इसके ऊपर आप चला सकते हैं। क्योंकि 1.5 टन का जो इन्वर्टर AC होता है, वो एक AC आपका मैक्सिमम जो है वो 1800 से 2000 वाट लेता है।
और जब दो एसी आप चलाएंगे वो आपके तकरीबन 4 किलोवाट ही बन जाएंगे, लेकिन अगर आपका साथ में बाकी लोड ऑफ है तो आप 2 AC भी इस इन्वर्टर के ऊपर एट ए टाइम चला सकते हैं। लेकिन आपने सिर्फ ये मैनेज करना है कि आपका बाकी जो लोड है वो जो है वो ऑफ हो, और क्योंकि 4 किलोवाट का इन्वर्टर तो 4 किलोवाट ही आप इसके ऊपर जो है वो लोड डाल सकते हैं। सोलर पैनल्स की अगर बात करें तो ये जो इन्वर्टर है ये 5000 वाट तक के सोलर पैनल्स को सपोर्ट करता है, यानी कि इस वक्त मार्केट में जो आपको 580 वाट के 550 वाट के पैनल मिलते हैं वो आप मैक्सिमम 9 पैनल इसके साथ लगा सकते हैं। अभी एकॉम के अंदर ही आपको पाकिस्तान में जो है वो सबसे जो बड़ा पैनल वो लॉन्च किया गया था 700 वाट का, वो आपने देखा है। तो बहुत सारे दोस्तों का ये भी सवाल होता है कि क्या वो पैनल इसके साथ कंपेटिबल है, तो बिल्कुल वो वाला पैनल भी आप इस इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। और मैक्सिमम पैनल सपोर्ट की बात करें तो ये इन्वर्टर 5000 वाट तक के पैनल को सपोर्ट करता है। कम से कम आप इसके साथ 3 से 4 पैनल लगाएंगे और मैक्सिमम आप 9 पैनल इस इन्वर्टर के साथ जो है एक ही सीरीज़ में लगा सकते हैं। बैटरी वोल्टेज की अगर बात करें तो ये जो इन्वर्टर है ये 24 वोल्ट बैटरी को ऑपरेट करता है, यानी कि 24 वोल्ट बैटरी बैंक आप इसके साथ लगा सकते हैं। मार्केट में जितने भी जो ब्रांड्स की बैटरीज है 12 वोल्ट की आपको बताती हैं, आप कोई सी भी दो बैटरी सीरीज़ में करके 24 वोल्ट का बैटरी बैंक बना के इस इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि क्या ये इन्वर्टर विदाउट बैटरी भी चलता है, तो बिल्कुल प्राइमेस कंपनी में जितने भी हाइब्रिड इन्वर्टर 3 किलोवाट से ऊपर आ रहे हैं वो सारे विदाउट बैटरी चलने की भी सलाह रखते हैं। तो ये वाला इन्वर्टर भी आप बगैर बैटरी के सोलर और वापडा के ऊपर चला सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप इन्वर्टर के नीचे वाले साइड पर देख सकते हैं कि एक तो जो आपने इसके एसी के कनेक्शन करने हैं वो यहाँ पर आपने करने हैं, तो मैंने भी यहाँ पर इसके इनपुट के कनेक्शन कर ली ताकि आपको इसका डिस्प्ले दिखाया जाए इसका डिस्प्ले किस तरह का है। इसी तरह इस इन्वर्टर के अंदर आपको ड्यूल आउटपुट देखने को मिलती है, तो यहाँ पर कनेक्शन करने की जगह भी डबल है। आप इस ऊपर वाली प्लेट को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर अंदर आपको ड्यूल आउटपुट का जो कनेक्शन करने की जगह भी जो है वो देखने को मिल जाएगी। इसी तरह यहाँ पर दो इसके अंदर एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, यहाँ पर आपके बैटरी की जो वायर वो यहाँ पर इंसर्ट होगी। इस तरह यहाँ पर जो आपकी पीवी की वायर वो यहाँ से इंसर्ट होगी, जो आपने सोलर पैनल से वायर लानी है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरह यहाँ पर इसकी जो कम्युनिकेशन वाली पोर्ट्स हैं वो हैं, और इसी के अंदर इसका आपको जो वाईफाई है मॉड्यूल है वो इस बॉक्स के अंदर जो बिल्ट इन देखने को मिल जाता है, जिसका सीरियल नंबर यहाँ पर मेंशन होता है। तो अभी हम जरा इस इन्वर्टर का जो है वो डिस्प्ले ऑन करने लगे हैं, इसको दिखाते हैं ऑन करके। इसको सबसे पहले हम, क्योंकि ये इन्वर्टर विदाउट बैटरी चलता है, तो जैसे हम इसको पावर देंगे इधर से तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो डिस्प्ले है वो ऑन हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने इसको वापडा के ज़रिए इनपुट की जो है वो वायर लगा के कनेक्शन किया है वापडा का, तो यहाँ पर आप इसके जो है वो चेक कर सकते हैं कि डिस्प्ले कुछ इस तरह से है। अभी इसका जो पावर बटन है वो हम ऑन करते हैं ताकि इसके जो पैरामीटर तो यहाँ पर आ जाएं। एक बीप की आवाज़ आती है जब भी इसके अंदर जो है वो हम इसको ऑन करते हैं या ऑफ़ करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो ये साइड में जो लाइट है वो ऑन होगी, इसके अलावा डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर दरमियान में इसके जो वोल्टेज है वो भी यहाँ पर नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ये वापडा के इनपुट के वोल्टेज, यहाँ पर आपको आउटपुट के वोल्टेज जो है वो नज़र आ जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर इसके जो सोलर पैनल से वोल्टेज आ रहे हैं, एम्पेयर आ रहे हैं, वाट आ रहे हैं, वो यहाँ पर आपको इस सेक्शन में नज़र आएंगे। और जो आपने बैटरीज अटैच की है उसके यहाँ पर आपको बैटरीज के वोल्टेज और एम्पेयर जो है वो चार्जिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है, वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी। इसी तरह इसके जो बटन है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। फिजिकल बटन नहीं है, ये टच बटन है, तो आप इसकी मदद से इसकी किसी भी सेटिंग में एंटर हो सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी सेटिंग आप इसके अंदर जो है वो चेंज कर सकते हैं या आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आखिर में ज़रा बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की कीमत के बारे में और ये आपको मिलेगा कहाँ से। तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल इन्वर्टर्स की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है, यानी कि इन्वर्टर की जो है वो डिमांड ज़्यादा है, पीछे से सप्लाई कम आ रही है। तो ये जितने भी इन्वर्टर्स ऑलरेडी आ रहे हैं वो सारे कम क्वांटिटी में आ रहे हैं, और जब भी आते हैं हमारी कोशिश होती है कि हम उसको आप लोगों के साथ शेयर करें कि ये मॉडल्स आ रहे हैं। उसमें से कई दफ़ा होता है कि इन्वर्टर जो आने से पहले ही बुकिंग के ऊपर सेल हो जाते हैं, तो उसकी भी डिटेल आपको हमारे फेसबुक पे चैनल के ऊपर देखने को मिलती है कौन सा स्टॉक हमारे पास आया था और उसके अलावा कौन सा स्टॉक अभी अवेलेबल है। तो अभी अगर बात करें तो इसकी एक शिपमेंट आई थी जिसके अंदर ये PV 5000+ Pro मॉडल आया था। अभी आइंदा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में भी एक और शिपमेंट आ रही है जिसके अंदर ये मॉडल आना है। तो अगर इसकी प्राइस की बात करें तो आज की डेट में मई 2024 में ये वीडियो बन रही है, आज इस इन्वर्टर की जो प्राइस है वो तकरीबन 170,000 से लेकर 175,000 के आसपास मार्केट में आपको देखने को मिल जाती है। यानी कि 170,000 से 175,000 में आपको प्योर वोल्ट ऑनर का 4 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर देखने को मिल जाता है, जो कि 24 वोल्ट बैटरी बैंक पर चलता है, और आप इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई भी आपको मिलती है, ड्यूल आउटपुट भी मिलती है, और आप इस इन्वर्टर के साथ जो है वो नेट फिटिंग भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये इन्वर्टर ग्रिड फिटिंग का फीचर भी प्रोवाइड करता है। वारंटी का जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इन्वर्टर 2 साल की पार्ट्स की वारंटी और 3 साल की सर्विस वारंटी के साथ आपको मिलता है। तो इन तमाम फीचर्स के साथ इसकी जो प्राइस है वो बड़ी ज़बरदस्त है, और अगर आप भी इस इन्वर्टर को परचेज करना चाहते हैं तो प्राइमेक्स से किसी भी डीलर से पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप मौजूद हैं वहाँ पर आप रابطہ करके इस इन्वर्टर की अवेलेबिलिटी इसके बारे में आप जान सकते हैं। अगर आप हमसे परचेज करना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। हमारा एक आउटलेट भी है प्राइमेक्स का, जो कि हाल रोड के ऊपर है, लाहौर में, स्टेट बैंक के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में, अल हसनैन सेंटर के फर्स्ट फ्लोर पे। आप वहाँ पर फिजिकली विजिट करके इस इन्वर्टर को चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं फिजिकली इसके कनेक्शन कहाँ पर है, इसके अलावा इसका जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी, इसका डिस्प्ले वगैरह, वो सारी चीज़ें आप फिजिकली अब देखेंगे
तब भी आपको इन्वर्टर की जो क्वालिटी का उसका आइडिया हो जाएगा। बाकी प्योर वोल्टोरंग है तो वोल्टोरंग जो है वो आपको पता है कि क्वालिटी के अंदर कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। उसके इन्वर्टर की जो है वो ऑलरेडी 5-6 साल से बड़ी अच्छी जो है वो रेपुटेशन है मार्केट के अंदर। अच्छे ब्रांड के अंदर वो सारे इन्वर्टर्स आ रहे हैं जो कि आपको प्राइमस में भी गैलेक्सी सीरीज में देखने को मिलते हैं। इस इन्वर्टर के बारे में अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या हमारे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर्स के ऊपर भी आप कॉल या व्हाट्सअप करके इन्वर्टर की अवेलेबिलिटी, इसकी प्राइस के बारे में जिस दिन भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस वक्त आप जान सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान अदनान शरीफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।